खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चरखी दादरी शहर के वार्ड 14 स्थित रविदास नगर में बुधवार को करीब आधा दर्जन बाइक सवार बदमाशों ने युवक के घर पर फायरिंग कर डाली। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही सिटी थाना पुलिस मौका मुआयना करने पहुंची। यह सारा वाकया मकान के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपित युवकों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में रविदास कॉलोनी निवासी संजय कुमार ने बताया कि बुधवार रात्रि वह अपने घर में सो रहा था। इसी बीच करीब 11:30 बजे दो बाइकों पर सवार करीब आधा दर्जन युवक घर के सामने पहुंचे। पीड़ित का आरोप है कि उक्त युवकों ने डंडों से गेट को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके बाद आरोपित युवकों ने रिवॉल्वर निकालकर मकान के अंदर फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि इस दौरान कोई भी जनहानि नहीं हुई। वारदात को अंजाम देने वाले बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल से बाहर पुलिस ने गोली के दो खोल भी बरामद किए। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे को फुटेज को कब्जे में लेकर आरोपित की पहचान शुरू कर दी है। संजय ने बताया कि हमलावरों में दो युवकों को वह पहचानता है। पीड़ित ने बताया कि वारदात को अंजाम देने पहुंचे एक युवक के साथ उसकी करीब 3 साल से रंजिश चली आ रही थी, इसी कारण से उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर फायरिंग की है। संजय ने इस संबंध में करीब आधा दर्जन युवकों के खिलाफ पुलिस थाना में शिकायत दी है, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। 11:30 बजे पर युवक दो बाइक सवार होकर आए, जिन्हें 9:30 बजे फ़ोन पर भी धमकियाँ दी थी और अपने यहाँ मेरे घर पर आकर अचानक फायर किए हैं। और उसके बाद में फायर करने के बाद मैं अपने अंदर था, मैं बचा हूँ बाल, मैं बाहर निकल के देख रहा था। उस टाइम पे मैं ये गेट तक आया था, अगले गेट पे ये वारदात हुई है, सब सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही हैं। और उनमें से दो व्यक्ति पहचान लिए हैं, और पुलिस को सूचना दे दी थी उसी टाइम पर उन्होंने फ़ोन कर। और ये तीसरी बार ये वारदात मेरे साथ हुई है। कुछ माह पहले यहाँ कल्याण मोड़ पर दिवाली के 2-4 दिन बाद गाड़ी पर भी मेरी पे फायर हुए थे, और परसों रात ये यहाँ घर पर हुए हैं। और उससे पहले एक बार ओडा सेक्टर में भी यही वारदात हुई थी, और जान से मारने की धमकी दी जाती है बार बार, और पुलिस को सब सूचना दे दी थी। फ्री में रविदास मोहल्ले के अंदर 5-6 की रात को 5 लड़कों ने मकान पर आकर के फायरिंग की है। उस मामले में आरोपी के खिलाफ 2 आरोपी हैं, वो नामजद हैं, और 5 आरोपियों के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया है। और आरोपियों की गहनता से 3 टीमें बना करके रेड की जा रही है, और जल्दी जल्दी आरोपियों को राउंड अप किया जाएगा। फुटेज में जो है आरोपी दिखाई दिए हैं, सीसी फुटेज भी को जो है लेकर के जो है उसे भी गहनता से तफ्तीश की जा रही है।